ये है कुछ गांव साइड का नज़ारा। इधर इधर की गाय ऐसी है। ये बहुत लगे रहते हैं यहाँ पर, गन्ना की बहुत खेती होती है इस एरिया में जिधर पर मैं रहती हूँ। ये रोड है उदड़ खुदड़ गई है, अजीब सी थोड़ा हो गई है क्योंकि काफ़ी समय पहले बनी रही होगी अभी। और ये नारियल के पेड़ लगे हैं और पैडी की हार्वेस्टिंग हो गई है, हार्वेस्टर से ही हुई है शायद। पैडी स्ट्रॉ खेत में पड़े हुए हैं अभी। चारों तरफ का नज़ारा, एक्सप्लोरिंग सम फील्ड रूरल एरिया साइड। इधर खेती वगैरह होती है, गन्ना वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं। इधर उधड़ी पुधड़ी रोड में चल रहे हैं अभी, खेत का एंजॉय कर रहे हैं, खेत को मस्त। चलो बाद में मिलते हैं फिर, देखते हैं आगे क्या करती हूँ। यहाँ पे कोकोनट, अरकानट और बनाना तीनों मिक्स करके ऑर्चर्ड लगा हुआ है। ये दो फील्ड में एक अंकल दो अंकल काम कर रहे हैं। एनो एन अंकल, जो अंकल थे वो मुझे बोल रहे थे मेरा कीपैड फ़ोन है साइलेंट हो गया तो उसको वाइब्रेशन में कर दो, नॉर्मल कर दो। तो मैंने बोला मेरे से आता नहीं, बहुत समय से मैं यूज नहीं की तो मेरे से सच में नहीं आता वो फ़ोन, तो इसलिए मैंने मना कर दिया उनका वो करने से, क्योंकि मेरे से आता नहीं है, बहुत लंबे समय से मैं यूज नहीं की हूँ। कोकोनट और अराकानट दोनों मिक्स करके लगे हुए हैं। ये काफ़ी सुंदर दिख रहा है, वेदर तो बहुत सुंदर है आज का। थोड़ा और आगे आ गई हूँ, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े से ट्रीज हैं, मैं दिखाती हूँ। दो पीपल के ट्रीज हैं, ये एक इस साइड है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, एक उस साइड भी है सब दिख रहा है। और एक रेन ट्री से इधर, और उधर पर कनेर के फूल काफ़ी सारे लगे हैं, ये खिले भी हैं थोड़े बहुत। नेरियम का ट्रीस जिसको कहते हैं फूल। भगवान का मंदिर है, अभी बंद वगैरह है क्योंकि फ़ोटो वगैरह लगी इसलिए पता चल रहा है। और ये एक बैल है, और वो उस पेड़ में भगवान की बहुत सारी फ़ोटोस वगैरह रखी हैं, पूजा होती है, पूजा भगवान की बहुत सारी फ़ोटोस रखी है। और ये जो येलो कलर का है गणेश जी की फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ ठंडी ठंडी मंद मंद हवा चल रही है। उस वाले पीपल के पेड़ में भी भगवान जी की फ़ोटो रखी है, हर जगह फ़ोटो ही फ़ोटो रखी है। इधर इधर का लॉजिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्रकार की बीड है बट दिखने में बहुत सुंदर लगती है। गाइस अभी मैं एक गांव में एंटर कर गई हूँ, दिखाती हूँ वो गांव कैसा है। ये गांव कुछ ऐसा है। ये पैडी स्ट्रॉ रखा है कैटल वगैरह, भैंस वगैरह, गाय बैल को ये सब खिलाने के लिए। ये दो गाय बंधी हुई है खा रही है, कुछ ऐसा है। इधर बाजू में फील्ड भी लगा है। टेम्पल बना है इस विलेज में। कुछ खेतों की ऐसी फ्लोइंग होके पड़ी हुई है, बाद में कुछ लगेगा। फ्लोइंग मतलब खेत जोत के सिंपली पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, शायद उधर पर सिंघाड़ा लगा हुआ है,
और इसके आसपास का ज़मीन कुछ हद तक पानी पानी टाइप का भरा हुआ, मर्सी लैंड टाइप का है। ये कोई वीड वाटर वीड वगैरह है। ये फुली ब्यूटीफुल पास से देखने में लग रही, सुंदर लग रहा है। ये है वाटर बॉडी। Guys, now I am going to make Aadhaar cards xerox because tomorrow I have exam. So now I should do आज मैं चल रही हूँ टमाटर की चटनी बनाने फ्राइड। इसको मिर्ची को फ्राइड कर लूँगी और तेल में इसका तीखापन निकल जाएगा तो छोड़ूंगी नहीं, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा, फिर बाद में रोटी के साथ खाने में अच्छा लगता है तो इसको खाने के लिए हो जाएगा। और ये टमाटर काटी हूँ, टमाटर और थोड़ा सा मटर है और लहसुन भी तड़के के लिए लगेगा और धनिया है। ये धनिया थोड़ा रखे रखे पुरानी हो गई थी तो इसका कलर फेड हो गया है। मैं चलती हूँ तड़का लगाने। मैं पहले मिर्ची फ्राइड करके निकालूँगी, उसके बाद जिंजर लहसुन डालूँगी। अभी मैं लहसुन भी डाल दे रही हूँ। आटा गूंथ के मैं पहले ही रख ली हूँ, अब बस सब्जी होगी तो रोटी बनाऊंगी। अभी मैं ये मिर्ची फ्राइड करके निकाल ली हूँ, सिर्फ लहसुन रह गया है। मैं थोड़ा सा जीरा डाल के भी, थोड़ा सा जीरा भी डालना है। मटर मटर डालने के बाद इसको थोड़ा देर भून लेना है। धनिया सबसे लास्ट में डालना है। अभी मैं इस मिर्ची में नमक डाल रही हूँ। इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा भी डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहता, ये सोखता है क्योंकि। अब इसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ। ये मिक्स हो गया, अब इसको रोटी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। मैं अभी भी नमक डाल दे रही हूँ थोड़ा देर बाद, अभी ये एकदम सही हो जाएगा। अभी बस थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि टमाटर जल्दी गल जाता है। ये फाइनल लुक है हमारी सब्जी का, मस्त दिख रही है। अब मैं धनिया भी डाल दी। धनिया ही एकदम फाइनल लुक है। धनिया वगैरह डालने के बाद सब कुछ कितनी टेस्टी सब्जी दिख रही है।